मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं NBC 24। उच्च शिक्षा को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उच्च शिक्षा को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर उच्च शिक्षा की पढ़ाई नहीं कराई जाती। आपको बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां PG की पढ़ाई अभी भी नहीं होती है और छात्रों को इसकी पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा है कि जिन कॉलेजों में शिक्षा नहीं दी जा रही है उच्च क्लासेस की, उसको भी अब शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि PG की शिक्षा को प्रदान करना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे छात्रों को बेहद परेशानी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के दो जिलों यानी कि सुपौल में और मुंगेर में फिलहाल ये शिक्षा शुरू की जाएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे वीडियो में कि किन किन जिलों में शिक्षा को लेकर कवायद तेज कर दी गई। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रदेश के उच्च शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी जिले में PG की पढ़ाई होगी। इसके लिए जिन जिले में PG की पढ़ाई नहीं हो रही है वहां जल्द ही कवायद शुरू की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी बिहार के 10 जिलों में PG की पढ़ाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जमुई और सुपौल के एक एक कॉलेज में PG की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अभी दो जिले जमुई और सुपौल में PG की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। बाकी 8 जिलों में PG की पढ़ाई के लिए कवायद तेज कर दी गई है। गोपालगंज, कैमूर, किशनगंज, बांका, शिवहर, लखीसराय, अरवल, नवादा में अभी PG की पढ़ाई नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कॉलेज में PG पढ़ाने के मापदंड है वैसे कॉलेज में पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां अभी भी PG की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए वहां के विद्यार्थियों को बाहर जाकर PG की पढ़ाई करनी पड़ती है। अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के इस फैसले से ऐसे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसे विद्यार्थी अपने जिले में ही आसानी से PG की डिग्री हासिल कर सकेंगे। खासकर इस फैसले से गरीब छात्र को उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने में आसानी होगी। शिक्षा विभाग के इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत जिन जिलों में महाविद्यालयों में PG की पढ़ाई नहीं हो रही है, उन महाविद्यालयों में PG की पढ़ाई शुरू करने की अनुशंसा यदि विश्वविद्यालय के द्वारा की जाती है तब सरकार इसे प्राथमिकता से लेगी और PG की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेगी। इस बात की जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक हर पंचायतों में 1+2 विद्यालय खुल रहा है, वहीं हर अनुमंडल में 1 डिग्री कॉलेज की स्थापना हो रही है। अब विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है कि हर जिले में कम से कम 1 महाविद्यालय में PG की पढ़ाई होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में विस्तार हो और उसमें सुधार लाई जाए। दूसरी ओर जो सकल नामांकन अनुपात है उसकी बेहतरी के लिए भी काम हो रहा है। सकल नामांकन अनुपात अभी करीब 14.5% के ऊपर है। इसे सरकार लगभग 30% तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए हमने यह निर्णय लिया है कि हर जिले में PG की पढ़ाई शुरू करेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 10 जिलों की पहचान की गई है जहां PG की पढ़ाई नहीं हो रही है। 10 में से 2 जिले ऐसे हैं जहां से PG की पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव मिला है। BSS कॉलेज सुपौल और KKM कॉलेज जमुई के प्रस्ताव पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। इसके लिए स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। तो आप देख रहे थे इस वक्त की किस तरह से विजय कुमार चौधरी के निर्देशानुसार कई जिलों में पढ़ाई को शुरू करने की बात कही गई है और आने वाले वक्त में इस पर अमल भी किया जाना है। तो और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NBC 24।